हाय एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं कर रही हूँ ये बिहारी मेकअप ट्यूटोरियल छठ पूजा के लिए, और मैंने देखा कि यूट्यूब पे किसी ने भी कोई मेकअप लुक नहीं किया था छठ पर्व के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही एक मेकअप लुक करूँ और इसका शुभारम्भ करूँ। तो अगर आप लोगों को देखना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट करा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप से पहले, ताकि आपके जो छोटे पोर्स हैं वो ब्लर हो जाए और आपका मेकअप ही लॉन्ग लास्टिंग रहे। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिटमी का फाउंडेशन, शेड है 230। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे और थोड़ा सा ईयर्स पे और नेक पे भी लगा लूँगी। और इसके बाद ये सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्टिपल कर रही हूँ। और ध्यान रखें कि ब्यूटी ब्लेंडर गीला होना ज़रूरी है, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, तो उसे गीला करके स्क्वीज करके आप इसे ब्लेंड करिए अपने फाउंडेशन को अच्छे से। और इसके बाद मैं ये फिटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपनी अंडर आइज़ में, और थोड़ा सा अपनी आईलेस पे भी लगा रही हूँ, ताकि आई शेडो प्राइमर का काम करेगा, और थोड़ा सा अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ और फोरहेड पे और माउथ के अराउंड और जहाँ पे मुझे कॉन्टो करना है ठीक उसके नीचे। और फिर से मैं इसे सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और कंसीलर में थोड़ी सी और आपको मेहनत करनी होती है, थोड़ा और टाइम देना होता है ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी होती है कंसीलर की, तो इसे अच्छे से ब्लेंड करिए, वरना ये कंसीलर आपके फेस पे थोड़ा पैची लग सकता है। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं ये फेसेस का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ पे भी मैंने कंसीलर यूज़ करा था वहाँ पे मैं इसे लगा लूँगी। अब मैं ये डार्क पीच कलर यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसे एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी, और इसे मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपनी ये क्रीज लाइन पे लगा लूँगी। और उसके बाद मैं ये सेम पैलेट से ये लाइट पीच कलर यूज़ कर रही हूँ, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अपनी आईलिड्स पे लगा लिया है अच्छे से, ताकि ये मेरा बेस का काम करेगा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर शिमरी आई शेडो लगाना है। और उसके बाद मैंने ये कॉरल ऑरेंजी कलर यूज़ करा है, और फिर से फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपनी आईलिड्स पे पैट कर रही हूँ। जब भी आप चाहते हो कि कलर अच्छे से शो हो, तब आप आई शेडो को प्लेस करो वहाँ पे, आपको पैट ही करना चाहिए ताकि कलर अच्छे से दिख सके। और उसके बाद मैं ये सेम जो मैंने ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ करा था सेम कलर अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी। अब मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से पूरा ये आई शेडो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कलर सेपरेट ना लगे, ये अच्छे से पूरा आई मेकअप ब्लेंडेड लगे। अब मैं ये ब्राउनिश ग्रे आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसे अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी। और मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ करा है ताकि मैं आईब्रोज अच्छे से ड्रॉ भी कर सकूँ। अब मैं ये मैट ब्राउन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोरिंग के लिए, और यूजुअली जहाँ पे भी मैं कॉन्टोर करती हूँ, हॉलोज ऑफ माई चीक बोन्स, टेम्पल्स ऑफ माई फोरहेड एंड देन माई जॉ लाइन, सब जगह अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी, और थोड़ा सा मैं नोज़ को भी ब्रॉन्ज इससे कर लूँगी। अब मैं कबूकी ब्रश की हेल्प से जो भी मेरे फेस पे एक्सेसिव पाउडर है उसे क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और अब मैं ये सिवाना कलर्स का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, पीच कलर है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है इंडियन स्किन टोन पे। और अब मैं ये नायका का काजल यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन और थोड़ा सा अपनी वाटर लाइन पे लगा लूँगी अच्छे से। अब मैं ये एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, एग्जैक्ट नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और मैं इसे अपनी अपर लैशेस पे बहुत अच्छे से 2-3 कोट्स लगा लूँगी। अब मैं ये निका के आई शेडो पैलेट में से ये लाइट सिल्वरिश शिमरी शेड यूज़ कर रही हूँ एज़ माई हाईलाइटर, और जहाँ भी मैं यूजली हाईलाइट करती हूँ अपनी ब्राउ बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज, थोड़ा सा फोरहेड पे भी, क्यूपिड बोज और अपने इनर कॉर्नर्स में अच्छे से लगा लूँगी। और लिपस्टिक के लिए मैंने ये शुगर की स्मच मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करी है, शेड का नाम है वाइन एंड शाइन, बहुत ही अच्छा पिंक फ्यूशिया कलर है। और बालों को मैं मिडिल पार्टीशन कर लूँगी, और पीछे से मैं ये बैक कॉम करूँगी, क्योंकि मुझे मांग टीका भी लगाना है, और एक मैंने बन बना लिया है, तो ऐसे बैक कॉम अगर कर लेते हो तो टीका आपका अच्छे से टिक जाता है, पर मैं फिर भी एक बॉबी पिन यूज़ कर रही हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और मैंने ये मैचिंग बैंगल्स भी पहन लिए हैं, और ये छोटी सी पिंक कलर की बिंदी भी लगाई है। और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं इस लुक को अच्छे से क्रिएट कर पाऊँ, और मुझे पता है कि मैंने अगर वो लंबा वाला सिंदूर लगाया होता तो ये लुक और भी अच्छा लगता, पर मैं वो नहीं लगा सकती हूँ अभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और सब कुछ करिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए इसे, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।
सारे